एक दफा ना हजरत अबू बकर सिद्दीक और जनाबे उमर फारूक की ना किसी बात में शकर रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गया। तो जनाबे उमर जरा डाढ़ी तबीयत के बंदे थे, डांट दिया अबू बकर सिद्दीक को। तो सिद्दीक एक बार नरम बंदे थे, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, तो वो गा के ना तो पहले घर रोए फिर हुजूर के पास चले गए। जनाबे उमर कहते मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद अच्छे लोग जो होते हैं उनका गुस्सा जल्दी उतर जाता। कहते मैंने जाके जनाबे सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगे कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूं कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे होते। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाबे उमर पाक फरमाते कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली जवाब मिला पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाबे उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाहु अकबर। तो मैंने रो के कहा सुनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफी मांगने पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों इसे मेरी तकरीर ना समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज आपको किताब में मिलेंगे, आप तब खातिब ने साथ उठा के देखें। जनाबे उमर कहते मैंने अर्ज की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई और लफ्ज क्या थे, फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ नहीं कर सकते थे। अब बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। पर मैं दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया औलाद भी दी, मेरी खातर छोड़ नहीं सकते थे। जनाबे उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह।